पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सेंट्रल जोन डेलीगेसी द्वारा वार्षिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बुधवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर केसी लाल समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, डेलीगेसी के सेंट्रल जोन के सचिव आलोक कुमार गोयल, डॉक्टर सुनीता सिंह, डॉक्टर बिमलेश मिश्रा सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह के दौरान अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया, जिसके पश्चात अतिथियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा वर्ष भर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने विश्वविद्यालय परिसर में डेलीगेसी की स्थापना के महत्व को बताते हुए खिलाड़ी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में मैं अकेला हूं, इस अतिथियों का के लिए आयोजन है, आपके लिए तैयारी कर इंडोर गेम्स से। यही बात थी कि जो छात्रावास विश्वविद्यालय के छात्रावास में बच्चे नहीं रहते हैं, जो बाहर के अंतर्वासी होते हैं, उनमें उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह डेलीगेसी विश्वविद्यालय की स्थापना के ही समय से ये स्थापित हुई, एक यूनिट बनी। यह यूनिट जैसे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना है, रोबर्स रेंजर्स है, उसी के तरह से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह एक मंच के देती है डेलीगेसी संस्था। इसमें शतरंज प्रतियोगिता से लेकर के शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये प्रतियोगिताएं होती हैं, और कल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए कविता, कहानी, वाद विवाद, निबंध, ये सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन सारी प्रतियोगिताओं का प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं, जिनका जिनके पुरस्कार वितरण में आप सभी लोग उपस्थित हैं। इन पुरस्कार इन प्रतियोगिताओं में समय समय पर विश्वविद्यालय के जो शिक्षक वर्ग हमको सहयोग किए हैं निर्णायक के रूप में, उन सभी निर्णायक वर्गों का मैं यहाँ तो सहयोग से वो लोग नहीं है, लेकिन इस मंच से मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि डेलीगेसी में जो बैडमिंटन हॉल है, उस छात्र हित में उस बैडमिंटन हॉल को वुडन कोर्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। कम से कम एक कोर्ट को, यदि विश्वविद्यालय के पास उतना धन नहीं है तो विश्वविद्यालय के डेलीगेसी में ही इतना धन है कि उस धन से कम एक कोर्ट को इंडोर किया जा सकता है। के साथ साथ ही की गई थी 1958 में, और ये विशेष तौर पर जो डे स्कॉलर्स जो छात्र वासों में छात्र छात्राएं जो रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किया गया था, ताकि ये ऑर्गेनाइज करें कुछ कार्यक्रम जिससे कि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। इसके वैसे तो चेयरमैन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, और इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन डॉक्टर ए बी मिश्रा थे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से जुलाई 1958 से 1962 तक वो रहे। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि स्टूडेंट की लाइफ में उनकी करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सके, इस कैटलिस्ट की तरह काम कर सके उनकी लाइफ में। डेलीगेसी का रोल यही रहता है कि साल में एक बार किसी एक वीक को सिलेक्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रफली दो भागों में रहता है, एक खेल कूद के कॉम्पिटिशन होते हैं ज़्यादातर, जिसमें इंडोर गेम्स हैं, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारी होती हैं कॉम्पिटिशन। क्रिएटिव राइटिंग में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कहानी लेखन, कविता लेखन, एसे राइटिंग इत्यादि, और इन सब जो लेख होते हैं स्टूडेंट्स के, ये सब हमारे टीचर्स यूनिवर्सिटी के या बाहर से भी जजेस को बुलाए जाते हैं। पंकज
भद्रा में